नमस्कार, स्वागत है आपका ओनली इन्वेस्टर में। कठमुल्लो छोड़ो देश, अगर हम ऐसा कह दें तो मामला कहीं न कहीं धर्म विरोधी हो जाएगा और मामला कहीं न कहीं संविधान का उल्लंघन करने वाला हो जाएगा। लेकिन आज जिस तरह से पिंकी चौधरी ने कहा कि कठमुल्लो देश छोड़ो, मुसलमानों देश छोड़ो, इसको लेकर पुलिस ने भी मामले को संज्ञान में ले लिया है और वहीं पर बड़ी बहसबाजी छिड़ गई है। चलिए हम आपको दिखाते हैं पूरा मामला क्या है और ये पिंकी चौधरी कौन है, पिंकी चौधरी ने इस तरह का बयान क्यों दिया, जंतर मंतर पर इतना हंगामा क्यों मचा। बता दूं, जंतर मंतर पर भड़काऊ नारेबाजी का मामला सामने आया है। पुलिस ने पिंकी चौधरी की तलाश गाजियाबाद में छापेमारी भी की गई है। बता दूं, दिल्ली के जंतर मंतर पर भड़काऊ नारे लगाने के मामले में दिल्ली पुलिस का एक्शन लगातार जारी है। इस मामले में आरोपी भूपेंद्र चौधरी उर्फ पिंकी चौधरी की भी तलाश की जा रही है। बता दूं, राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर भड़काऊ नारे लगाने के मामले में दिल्ली पुलिस का एक्शन जारी है। इस मामले में आरोपी भूपेंद्र चौधरी उर्फ पिंकी चौधरी की तलाश की जा रही है। इसी कड़ी में बीती रात दिल्ली पुलिस ने गाजियाबाद के 5 ठिकानों पर छापेमारी की है। आज पिंकी चौधरी ने जो बयानबाजी की, पिंकी चौधरी कहना, जब देश का बंटवारा हो गया, पाकिस्तान भारत हिंदुस्तान बन गया और उसके बाद हिंदुस्तान को धर्मशाला क्यों बनाया गया, जितने मुसलमान हैं वो पाकिस्तान क्यों नहीं जाते हैं, यहाँ पर अपना विशेषाधिकार क्यों प्राप्त करने की बात करते हैं और भारत के टुकड़े करने की क्यों बात करते हैं। पिंकी चौधरी का एक और कहना है कि हर मुसलमान आतंकवादी क्यों होता है, लगभग मुसलमानों का नाम आतंकवाद से क्यों जुड़ा हुआ है, जितने आतंकी पकड़े जाते हैं वो मुसलमान क्यों हैं, इस तरह की बयानबाजी करते नजर आए हैं पिंकी चौधरी। बता दूँ आपको, जानकारी के मुताबिक दिल्ली पुलिस ने गाजियाबाद के राजेंद्र नगर लोनी साहिबाबाद में छापेमारी की थी, लेकिन पिंकी चौधरी का कोई अता पता नहीं है। माना जा रहा है कि बुधवार को दिल्ली पुलिस आरोपी पिंकी चौधरी खिलाफ वारंट जारी भी करवा सकती है। हिंदू रक्षा दल का नेता है पिंकी चौधरी। जिस पिंकी चौधरी को दिल्ली पुलिस की तलाश है वो हिंदू रक्षा दल का नेता है। पिंकी चौधरी लगातार सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं और टीवी इंटरव्यू दे रहा है, लेकिन वो पुलिस से अभी दूर है। भड़काऊ नारेबाजी के मामले में दिल्ली पुलिस ने हेड कांस्टेबल अनिल की शिकायत के आधार पर कनॉट प्लेस पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज की थी। अनिल के मुताबिक सुबह करीब 9 बजे कुछ प्रदर्शनकारी बिना किसी इजाज़त के जंतर मंतर पर पहुँचे थे। प्रदर्शनकारियों द्वारा यह तब किया गया जब यहां धारा 144 लागू है, DDMA एक्ट 188 लागू था, लेकिन किसी ने नियमों का पालन नहीं किया और भड़काऊ नारे लगाए। ये घटना 8 अगस्त 2021 की है। गौरतलब है कि दिल्ली पुलिस ने भड़काऊ नारे लगाने के मामले में अभी तक कुल 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें वकील अश्विनी उपाध्याय भी शामिल हैं, जिन पर यह कार्यक्रम आयोजित करने का आरोप लगा था। दिल्ली पुलिस मंगलवार को सभी गिरफ्तार हुए आरोपियों को कोर्ट में पेश कर रिमांड भी मांग सकती है। यानी कि ये पूरा का पूरा मामला जो हमने आपको दिखाया कि पिंकी चौधरी के इस बयान को लेकर आप क्या राय रखना चाहते हैं, एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को भी ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। यहाँ पर पिंकी चौधरी ने जो नारेबाजी की है, जो बयानबाजी की है, वो सही है गलत है एक बार ज़रूर बताइएगा, क्योंकि वहीं पर भारत को तोड़ने वाले भी लोग हैं और कुछ लोग हिंदुओं को एकजुट करने वाले हैं। यहाँ पर विभिन्न विचारधाराएं के लोग पाए जाते हैं भारत में और वो लोग अपनी अपनी विचारधारा लोगों के सामने व्यक्त करते हैं, मीडिया के सामने व्यक्त करते हैं। तो क्या जो पिंकी चौधरी ने बोला है वो सरासर गलत है या कुछ % गलत है या कुछ भी गलत नहीं है, एक बार कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा और वीडियो को भी ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा, क्योंकि जब भी आप वीडियो को शेयर करते हैं सच्चाई जनता के सामने पहुँचती है। क्योंकि भारत में ऐसे नारे कई बार लग चुके हैं, अगर आतंकी विदेश में मारे जाएँ तो यहाँ भारत जल जाता है और यहीं से ही भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाल्लाह इंशाल्लाह के नारे लगाए जाते हैं। तो कहीं ना कहीं इस तरह की बयानबाजी भारत में आम हो चुकी है, लेकिन क्या ऐसा होना चाहिए, ज़रूर बताइए। बने रहें ओनली न्यू नेशन साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।